2 नवंबर 2013 दिन था रविवार, लेकिन किसको पता था आज रविवार के साथ साथ रोहित वार भी है। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला है उस समय का जब पूरे क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया नाम की तूती बोलती थी। मैच होने से पहले उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था और ऑस्ट्रेलिया को विजयी घोषित कर दिया जाता था, जहां पर बड़े बड़े क्रिकेट पंडित अपनी जुबान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ लॉक लगा के रखते थे, क्योंकि हेड टू हेड के आंकड़े बताते थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता था। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि 13 नवंबर 2013 को कंगारुओं के साथ वो होना था जो कंगारुओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिससे कंगारुओं की सांसें ऊपर नीचे होने लगी तथा दम भी घुटने लगा। और इस दिन रोहित शर्मा का नामकरण करके हिटमैन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत और कंगारुओं के बीच जब मैदान पर सिक्का उछला तो भारत के पक्ष में सिक्का गिरा और भारत ने बेंगलुरु के मैदान पर बल्लेबाजी चुना, जहां पर गब्बर और हिटमैन भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आई। लेकिन इस दिन पावर प्ले में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की एक भी ना चली तथा हिटमैन और गब्बर की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के साथ बाउंड्री खेल रहे थे, जबकि भारत का पहला विकेट 112 रन पर गिरा जब शिखर धवन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में LBW आउट हो गए, जो कि 9 चौके की मदद से 60 रनों की पारी खेली। वहीं पर विराट कोहली मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आए ही थे कि वो भी रन आउट होकर चलते बने, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन अब मैदान पर सुरेश रैना आए थे, जिनके साथ रोहित शर्मा ने मिलकर 72 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन जबकि सुरेश रैना भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और मात्र 28 रन बनाकर LBW आउट हो गए। वहीं पर रोहित शर्मा और युवराज सिंह के बीच में कुछ खास पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। लेकिन अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे और धोनी के आते ही रोहित शर्मा ने 2-4 बॉल और खेलकर 114 बॉल्स में अपना शतक कंप्लीट कर लिया। वहीं पर भारत का इस समय स्कोर था 219 रन 4 विकेट के नुकसान पर 38.4 ओवर्स में। लेकिन अब यहां से रोहित शर्मा ने हिटमैन का रूप धारण कर लिया, जहां से अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब पिटाई होने लगी, जिसके कारण से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी खून के आंसू रोने लग गए। सर पर हाथ रखकर रोहित शर्मा को आउट करने का विकल्प बनाने लग गए, मगर किसी की एक ना चली, क्योंकि अब यहां से हिटमैन सिर्फ छक्के ही छक्कों में डील कर रहे थे, जो कि 12 चौके और 15 छक्के की मदद से दोहरा शतक जड़ चुके। वहीं पर अंतिम ओवर में एक और छक्का जड़ने के साथ ही रोहित शर्मा आउट हो गए, जबकि महेंद्र सिंह धोनी भी अर्धशतक के साथ ही आउट हो चुके थे, जहां पर भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर्स में 383 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन कंगारू इतने रन बनने के बावजूद भी हार नहीं मानने वाले, जहां पर दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने वाले बल्लेबाज आए ही थे कि एरॉन फिंच को दूसरे ओवर में मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया मोहम्मद शमी ने, जबकि दूसरा विकेट 64 रन पर और तीसरा विकेट 70 तथा 74 रन पर तीसरा विकेट गिर गया। लेकिन अभी भी एक छोर से कंगारू बाउंड्री लगाने से पीछे नहीं हट रहे थे, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल आंधी तूफान की तरीके बल्ला चला रहे थे, जो देखते ही देखते मात्र 22 गेंदों में 7 गगनचुंबी छक्के तथा 3 चौके की मदद से 60 रन जड़ चुके थे। लेकिन विनय कुमार ने इन्हें भी कैच आउट कराकर मैदान से बाहर चलता किया। लेकिन अब जेम्स फाकनर और शेन वाटसन मिलकर मैक्सवेल वाला काम मैदान पर करने लगे, जो कि भारतीय गेंदबाजों के साथ छक्के चौके में खेलने लगे। और अब मैच वहां पर पहुंच गया था जहां पर मैच काफी रोमांचक स्थिति में आ गया था। लेकिन उसके बाद जेम्स फाकनर 6 छक्के और 11 चौके की मदद से 73 गेंदों में 116 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं पर शेन वाटसन भी 6 छक्के और 2 चौके की मदद से मात्र 22 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली। और शेन वाटसन के आउट होने के बाद अब लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा और ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 45.1 ओवर्स में 326 रन बनाकर ऑल आउट हो गई तथा भारत को 57 रन से एक शानदार जीत मिली बेंगलुरु के मैदान पर। वहीं पर इस मैच के हीरो रहे हिटमैन, जिन्हें की प्लेयर ऑफ द मैच मिला, जो 16 छक्के और 12 चौके की मदद से 158 गेंदों में 209 रन जड़े। और यही कारण है आज भी कोई भी टीम क्यों ना हो रोहित शर्मा से खौफ खाती है।